हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेश कुकिंग। तो आज हम लेके आए हैं एक नई रेसिपी, लेफ्ट ओवर रोटी रेसिपी, जो बची हुई रोटियों से बनाई है हमने। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी है। इसके आगे समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी भी नहीं अच्छी लगेंगी, इतनी अच्छी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए इसमें कोई झंझट नहीं है, बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर हमने लिए हैं 3 से 4 आलू, ले लिए उबले हुए आलू हैं, और इसमें डाल दिए लाल मिर्च हमने, और कटा हुआ प्याज एक मीडियम साइज का लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ले ली है, और जीरा लिया है थोड़ा सा, आधा चम्मच, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे। और इसको मिक्स करके ये मसाला हम बना के तैयार करके रख लेते हैं। रोटियां तो आजकल सबके यहाँ बची जाती हैं, तो इसको फेंकने के बजाय ऐसे बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती हैं और रोटी भी ख़राब नहीं होगी। तो इधर हमने ले लिया गेहूं का आटा एक कटोरी, इसमें डाल दिए लाल मिर्च आधा चम्मच, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा सा गरम धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक ले लिया स्वाद के अनुसार, और साथ में इसको मिक्स करके फिर इसमें डालेंगे पानी। इसका एक घोल तैयार करेंगे हम, और इसमें हमने लिया है तड़का, इससे इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। तो ये तड़के में हमने लिया था लहसुन और जीरा। अब इसमें ऐड करते हैं पानी, इसका अच्छे से घोल बना के रख लेते हैं। एक बार एक रेसिपी ये बना ली है आप लोगों ने, तो फिर इसको बनाना छोड़ेंगे नहीं, बार बार बना के खाएंगे, क्योंकि रोटी तो रोज़ ही बच जाती है, और आलू भी उबले रखे हुए होते हैं, कभी भी बना के खा सकते हैं इसको। तो ये ले लिए हमने रोटी यहाँ पे, और इसमें हमने आलू भर लिया इस तरीके से मसाला। मसाला अच्छे से भर लेंगे इसमें। फिर इसको हम कट कर लेंगे पीसेस में, पिज्जा की तरह। इसमें चाहे तो आप लोग चीज़ भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी सब्जी बिजिस भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी ऐड करेंगे वो अच्छा ही लगेगा इसमें। तो हमने सिर्फ आलू की स्टफिंग बनाई थी, तो आलू से ही इसको काट लिया 4 पीसों में, और इसको ऐसे इसमें डिप करके और डाल देते हैं गर्म ऑयल में। तो देख लीजिए फ्राई होने लगे हैं, बहुत सी टेस्टी और क्रिस्पी और खस्ता बनी है। ये हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं, और चाहें तो आप सब कोई भी बना लें, या फिर इनका रोल भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने भी बनाई इसको पहले तो इस तरीके से। अभी हम दूसरी रोटी ले लेते हैं, इसमें भी ऐसे लगा के अब इसके हम रोल कट कर लेंगे। इस तरीके से देख लीजिए, काट लीजिए, और फिर इसको उसमें डिप करके घोल में, और फिर इसको फ्राई कर लीजिए। बहुत ही अच्छी ये भी बनेगी, इसी तरीके से भी बनाए पर रोटी भी यूज हो जाएगी और टेस्टी डिश भी बन जाएगी। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस तरीके से इसमें डाल देंगे कढ़ाई में हम, तीन से चार मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाती हैं क्रिस्पी, इनको गोल्डन सुनहरा होने तक भूनेंगे, फिर निकाल लिए हैं। देख लीजिए कितने अच्छे, इसको हमने टमाटर धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है, तो केचप के साथ या किसी के साथ या मेयोनीज के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।